नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू NKC न्यूज़। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69 राष्ट्रीय भर्ती को लेकर। तो दोस्तों 69 राष्ट्रीय भर्ती को लेकर प्रदेश में जो है कट ऑफ मुद्दा को लेकर सनसनीखेज है दोस्तों, क्योंकि जानते हैं कट ऑफ मुद्दा जो है आपका 27-28 तारीख को फिर से सुना जाएगा, वो भी इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में। आप सभी को पता होगा, जो नहीं भी जानते जान लें, 27 तारीख जो है देखिए इलाहाबाद और 28 तारीख को लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होने वाली है कट ऑफ मुद्दे को लेकर। और साथ ही दोस्तों बहुत सारे जो है मुद्दे को लेकर भी सुनवाई होगी, जैसे भरंग हुआ और बहुत सारे जो हैं। तो दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं, और साथ ही आज की क्या अपडेट निकल कर आ रही, पूरी अपडेट देखते हैं। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे अपडेट आ रहे हैं निकल के, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि शिक्षा भर्ती परीक्षा रद्द भी हो रही है। तो दोस्तों क्या सही में रद्द हो रही है कि 40-45 पर ही भर्ती किया जाएगा, यानी इस पर भी रिजल्ट आ सकता है, पूरी अपडेट देखते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल परिवार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही काम करने के साथ आप लोग अलर्ट अपडेट रह पाएंगे। दोस्तों देख लेते हैं क्या आज के अपडेट निकल के आ रहे हैं। पहले दोस्तों यहाँ से देख पा रहे हैं कि IAS बनना आसान होगा लेकिन जो है शिक्षक नहीं, यानी जो IAS बनना कर रहा है आसान होगा, आप शिक्षक बनना मुश्किल है। देख रहे हैं टीचर ट्रेनिंग अभियान की शुरुआत पर बोले निशंक। यहाँ देख रहे हैं कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक ट्रेनिंग अभियान शुरू कर दिया है, और इसमें जो है देश के सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों के 42 लाख शिक्षकों को किताबी ज्ञान के साथ साथ है जो है उसमें खेल खेल में पढ़ाई, लर्निंग आउटकम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रोग्राम में शिक्षकों को क्लासरूम के साथ साथ जो है फेसबुक यानी सोशल मीडिया के जरिए भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ देख रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से भी ट्रेनिंग मिलेगी। और दिल्ली में बुधवार को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने संकक ने नेशनल इंस्टीट्यूटिव ऑन टीचर देख रहे हैं स्कूल टीचर हेड होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा का शुभारंभ किया। और देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अब IAS बनना आसान होगा, पर शिक्षक नहीं, शिक्षक एक छात्र का नहीं पूरे देश का निर्माता होता है, और शिक्षक की कक्षा से वैज्ञानिक प्रशासनिक राजनेता अभिनेता और शिक्षक डॉक्टर और समाज सेवक निकलते हैं। ऐसे में यदि वह ही कमज़ोर होगा तो देश का विकास और भविष्य दोनों खतरे में होगा। यहाँ देख रहे हैं खतरे में है, और यहाँ देख रहे हैं मोबाइल के जरिए ज्ञान, यहाँ देख रहे हैं क्या क्या ज्ञान कैसे दिया जाएगा, यहाँ सभी आपको शो कर रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेंगे कट ऑफ मुद्दा को लेकर, तो आप सबको पता ही है कि सुनवाई तो होगी ही होगी, लेकिन दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द भी हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें, देखिए रद्द होने की चांस कम है, ये हो सकता है कि आपका 40-45 पर जो है भर्ती हो सकता है, क्योंकि जानते हैं 68,500 में जो है 40-45 पर ही भर्ती लिया गया, और उसके अनुसार दोस्तों इसमें भी चांस जताई जा रही है कि 40-45 पर भी लिया जाए, क्योंकि जानते हैं हाई कोर्ट 29 तारीख को जब सुनवाई हुई थी उस समय 40-45 पर ही रिजल्ट जारी करने की और भर्ती 3 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के लिए आदेश दिया था, लेकिन डेवलपमेंट्स में फिर BTC BEd की तरफ से इसमें और सरकार की तरफ से फिर इस पर चल गई रिट लग गई, और उसके कारण जो है 60-65 का मामला सामने आ गया। देखिए 60-65 होता क्या है, 27-28 तारीख को फाइनल आपको देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक बात है रद्द होने की, तो रद्द कम होने की चांस है, हो सकता है आपका 40-45 पर ही फाइनलेशन आ सकता है। जो भी अपडेट निकल गया मैं आपको सबसे पहले यहाँ अपडेट कर दूँगा। काम करूँ साथ अलट अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें। नए अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।